आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। रितेश और शंभु मौर्य एवं संजय पांडे हत्याकांड में वांछित 1-1 लाख के दो शातिर इनाम अभियुक्तों को एसटीएफ क्राइम ब्रांच व गगहा की संयुक्त पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार। एसएसपी ने किया खुलासा। वॉक इन से नहीं, अब ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही लगेगा टीका। 45 साल से ऊपर के लोगों के टीकाकरण की व्यवस्था में हुआ बदलाव। 10 मई से लागू होगी नई व्यवस्था। दूसरे डोज में पूर्व की तरह होगा टीकाकरण। आंशिक कर्फ्यू में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मुस्लिम समाज ने अता की अलविदा की नमाज। देश से कोरोना के मुक्ति की मांगी दुआ। एसपी सिटी ने कहा, घरों में मनाए त्योहार, करे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन। नगर निगम के जोन 4 के राजेंद्र नगर पश्चिमी स्थित बड़े नाले की सफाई का नगर आयुक्त सहित संबंधित अधिकारियों ने किया निरीक्षण। कहा, कराई जा रही है नालों की तल्ली झाड़ सफाई, जिससे जल निकासी की हो सके बेहतर व्यवस्था। शासन के निर्देश पर जनपद में लगाए गए आंशिक कर्फ्यू का शुक्रवार को भी रहा असर। एसपी सिटी ने कहा, जनता स्वयं कर रही है कर्फ्यू का पालन। होम्योपैथिक चिकित्सकों ने लोगों में किया निःशुल्क दवाओं एवं मास्क का वितरण। कहा, कोरोना संक्रमण में रोकथाम में सहायक है होम्योपैथी की दवाएं। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई नगर निगम के कर निरीक्षक एवं संग्रहकर्ताओं की बैठक। बड़े बकायेदारों से राजस्व वसूली के दिए निर्देश। गोरखपुर में शुक्रवार को मिले 1021 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 3 की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 48,157। अब तक 511 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 8,843 हो गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। नगर आयुक्त के नेतृत्व में किया गया सरकारी व गैर सरकारी भवनों का सैनिटाइजेशन। कहा, सैनिटाइजेशन से तोड़ा जा सकेगा कोरोना संक्रमण की चेन। रात्रि में भी पुलिस करा रही है आंशिक कर्फ्यू का पालन। एसपी सिटी ने कहा, करे कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन, नहीं तो होगी कार्यवाही। और जिला अस्पताल सहित अन्य केंद्रों पर 18 साल से ऊपर के 1,259 और 45 साल के ऊपर के 1,479 नागरिकों का किया गया वैक्सीनेशन। नागरिकों ने कहा, नहीं हुई कोई दिक्कत, देश हित में जरूर कराएं वैक्सीनेशन।